क्या हम स्वीडन में आखिरी बार 25 अक्टूबर को अपनी घड़ियों में वक्त तब्दील करेंगे? यूरोप में मियारी वक्त की तब्दीली का निजाम खत्म करने का फैसला। जी हाँ, ऐन मुमकिन है कि आप स्वीडन में आखिरी मर्तबा मौसम सरमा में अपनी घड़ियाँ एक घंटा पीछे कर रहे हों। यूरोप में हर साल मियारी वक्त दो बार तब्दील होता है, एक बार मार्च के अवाखिर में जब मौसम गर्मा का मियारी वक्त शुरू होता है और तमाम घड़ियाँ एक घंटा आगे कर दी जाती हैं, और दूसरी बार अक्टूबर के अवाखिर में जब मौसम सरमा के मियारी वक्त का आगाज होता है। यूरोपीय मियारी वक्त में तकरीबन शिशमाही बुनियादों पर तब्दीली का यह निजाम काफी अरसे से मुतनाजा है। 26 मार्च 2019 को यूरोपीय पार्लियामेंट ने फैसला किया था कि यूरोपियन यूनियन में शामिल हर मुल्क अपने मियारी वक्त का खुद फैसला करे कि वो गर्मियों का मुस्तकिल वक्त चाहते हैं या सर्दियों का मुस्तकिल वक्त चाहते हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट के तर्जुमान का कहना था कि ये मसला काफी अरसे से तकलीफ दे रहा है कि जब साल में दो बार वक्त की तब्दीली होती है तो यूरोपीय यूनियन के ममालिक में तीन मुख्तलिफ टाइम जोन होते हैं, जो कि यूरोपीय यूनियन के बहुत से शहरियों के लिए एक अहम मसला है। इस फैसले के बाद वो ममालिक जो मौसम गर्मा के वक्त का इंतखाब करते हैं, इनको मार्च 2021 में आखिरी दफा वक्त में तब्दीली करनी होगी, और जो ममालिक सर्दियों का वक्त मुंतखब करते हैं वो इसी साल अक्टूबर में आखिरी बार अपना वक्त तब्दील करेंगे। स्वीडन में हम गुज़िश्ता 40 सालों से मौसम बहार और मौसम खिजा में अपनी घड़ियों के वक्त तब्दील कर रहे हैं। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.urdukasid.se और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।